मेरी ननद रोज रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती थी। जैसे ही वो गले लगकर चली जाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती। सुबह उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। आखिर उनके गले लगते ही मुझे क्या हो जाता था जो मैं इस कदर गहरी नींद में चली जाती। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने कैमरे में जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी ननद तो मेरा नाम मधु है। मेरी शादी अनिल से 3 साल पहले हुई थी। अनिल के परिवार में उसकी छोटी बहन प्रिया और अनिल सिर्फ 2 ही थे, क्योंकि अनिल के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बाद अनिल ने ही अपनी छोटी बहन प्रिया का पालन पोषण किया और उसे पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू किया। अनिल पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जब से मैं इस घर में आई हूँ पूरे घर की जिम्मेवारी मैंने उठा ली। अब अनिल काम में अच्छे से ध्यान देने लगे, क्योंकि पहले उन्हें अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन वो जिम्मेवारी मैंने अब अपने सर पर ले ली थी, तो अनिल अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ काम में भी मन लगाकर मेहनत करने लगे। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। आज सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि अनिल की मेहनत रंग ले आई। अनिल काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और हमेशा से ही दिन रात मेहनत करते थे, जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था। सुशील एक सरकारी नौकरी पर लग चुके थे। इतनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन अनिल ने ये सब कर दिखाया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं भी अब पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा पति एक सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन हमारे पति तो एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियां थी वह हमेशा से ही घमंडी थी। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह जरूर था कि अनिल की भी सरकारी नौकरी लगे, और अनिल ने आज वह कर दिखाया। खैर अब हमारे अच्छे दिन आ चुके थे। प्रिया की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही थी। प्रिया केवल 18 साल की थी, उसने कॉलेज में प्रवेश किया ही था। अब प्रिया की पढ़ाई के साथ साथ मेरे भी जिम्मेदारियों को अनिल बखूबी निभाने लगे। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने में। जो भी चीज मांगती थी अनिल मेरे बोलने से पहले ही वह चीज हाजिर कर देते थे। इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पति पाकर मैं खुले नहीं समा रही थी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी? शायद भगवान को भी मेरी खुशी रास नहीं आई। एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति अनिल का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्यों इतना प्यार करने वाले पति को खोकर मैं बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो पूरी तरह अधमरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे मुझे प्रिया को भी संभालना था। इसलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और प्रिया को संभाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया। लेकिन अब बात ये आन पड़ी थी कि प्रिया की पढ़ाई कैसे करवाई जाए और पूरे घर की जिम्मेवारी भी आ चुकी थी। मेरे पास तो न कोई काम था और न ही मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ससुराल में आने के बाद तो अनिल ने सारी जिम्मेवारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह से कोई चीज का पता नहीं था। लेकिन मुझे प्रिया को पढ़ाई भी तो करवानी थी, क्योंकि उस बेचारे के मन पर क्या बीती है इसे मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब अपने भाई को खो दिया, उसके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझती थी। लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह अनिल उसका ख्याल रखते उसी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था। मुझे उसके माता पिता और भाई की कमी महसूस नहीं होने देनी थी, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकल गई।
मुझे प्रिया ने कहा था कि भाभी मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे, बस यही बहुत है। लेकिन मैंने सोनम की बात नहीं मानी क्योंकि मैं उसे पढ़ाई लिखाई करवा कर एक अच्छी इंसान बनाना चाहती थी, उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसीलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। दरअसल अनिल के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, न ही जमीन जायदाद थी। पहले उसकी प्राइवेट कंपनी की नौकरी की वजह से घर चलता था और उसके बाद उसने सरकारी नौकरी कर ली, जिस वजह से हमारे अच्छे दिन थे। लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाए क्योंकि अनिल को नौकरी लगे ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसका देहांत हो गया, इसीलिए घर में जमा पूंजी भी नहीं थी। खैर, मैं तो शहर में काम की तलाश में निकल गई और मुझे एक कंपनी में काम भी मिल गया। सैलरी ज्यादा नहीं थी लेकिन कम भी नहीं थी। मैं दिन रात मेहनत करके प्रिया को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ कंपनी में काम करने लग गई। सवेरे उठकर घर का काम करने के बाद काम पर निकल जाती और शाम को थकी हारी घर पर आती और प्रिया को खाना खिला देती और खुद खाना खाकर सो जाती। खैर, मुझे नींद तो नहीं आती थी क्योंकि अनिल की यादें मुझे हर रोज खाती थी, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं था, इसीलिए मुझे इन सब को झेलना ही था। खैर, कभी हंसी और कभी दुख को झेलते हुए ऐसे ही दिन निकले जा रहे थे। मेरी ननंद को हमेशा से ही एक आदत थी कि वह सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी तब से मेरी ननंद हमेशा ही मेरे गले लगकर अपने कमरे में जाती थी। अनिल अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे कि मेरे तो कभी भी गले लगकर नहीं सोई, मैं क्या तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तभी वो कहती कि भैया, आप तो मेरे भाई नहीं भगवान हो, लेकिन भाभी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये मेरी माँ और भाभी दोनों है, इसीलिए मुझे इनके गले लगने पर बहुत सुकून मिलता है और अच्छी नींद भी आती है, इसलिए मैं भाभी के गले लगती हूँ। खैर, अपनी ननद के गले लगकर मैं भी सो जाती थी। लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज को नोट करना शुरू किया था कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी ननद मेरे गले लगकर अपने कमरे में चली जाती, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में चली जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब से अनिल का देहांत हुआ है उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी भी नहीं सोई। दिन भर इतना काम करती थी फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। अनिल की यादें मुझे सोने भी नहीं देती थी, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों के बीच तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे तो इसके पीछे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। पहले मुझे नींद का जरा भी एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेरी ननंद मेरे गले लगकर कमरे से बाहर जाती है उसके बाद से मैं मानो बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ और बिना पानी पिए ही सो जाती हूँ। सवेरे जब उठ कर देखती हूँ तो कभी मेरे कपड़े उथल पुथल होते थे तो कभी मेरे पूरे बदन पर भी कपड़े नहीं होते थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा। और घर में तो सिर्फ मैं और मेरी ननंद ही रहते थे और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि अंदर से अगर दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली जाए तो हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर भी ना आ पाए। और मैं तो सोने से पहले पूरे घर की तलाशी लेकर और अच्छे से कमरे बंद करके सोती थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी थकावट का कारण होगा क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक जाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है, और नींद में हो सकता है कि मैं खुद ही ऐसी हरकत कर लेती हूँ। क्योंकि अक्सर इंसान सपनों में जो देखता है वैसे वैसे हलचल करता रहता है, शायद इसी वजह से मैं अपने कपड़े उतार लेती होगी। बेवजह में ऐसे ख्यालों में पड़ना ठीक नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं कोई काम आज से तो कर नहीं रही हूँ।
पिछले कितने महीनों से मैं ये काम कर रही हूँ और तब मुझे इतनी थकान नहीं हुई तो अब कैसे हो सकती है। और भला थकान होती है तो इस कदर अचानक मेरी नींद कैसे लग जाती है, और वह भी प्रिया के गले लगने के बाद। अब तो मुझे प्रिया पर भी अजीब सा लगने लगा था कि प्रिया कहीं कुछ कर तो नहीं रही है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, प्रिया मुझसे इतना प्यार करती है और मुझे माँ का दर्जा देती है, मुझे उसके बारे में ऐसे सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हर समय मेरे दिमाग में यही बात दौड़ती कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह बात कैसे पूछूं, किसके साथ शेयर करूं, जो मेरी इस उलझन को निकाल सके। इस तरह काफी दिन निकल गए लेकिन ये हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ और ही ज्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोती थी उस तरह सुबह बिल्कुल भी नहीं होती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन पर से गायब होते थे और मेरा पूरा शरीर इस तरह टूटता था जैसे मानो मुझे किसी ने रौंदा हो। अब तो मेरा शक चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। इस तरह मेरे शरीर से कपड़े गायब होना, इस तरह गले लगने के बाद अचानक से गहरी नींद में सो जाना और सवेरे उठने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना, यह सब कोई वहम या फिर थकान नहीं थी। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा कारण लग रहा था। तभी मैंने एक दिन प्रिया से पूछा कि प्रिया मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है। तभी प्रिया कहती है कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी घर में कौन आता है, जरूर आप थकान के मारे सो जाती हो और नींद में यह सब हरकतें कर लेती हो, और सवेरे जब आप उठती हो तो आपको ऐसा कुछ लगने लग जाता है। मुझे प्रिया की बातों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वे बोल रही थी उनकी आवाज में हलचल थी और वे नजरें भी मुझसे नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि जरूर प्रिया कुछ ना कुछ कर रही है, क्योंकि वे आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते समय इतनी घबराई नहीं थी जितनी आज मेरे इस सवाल को पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तो कुछ और ही शक चलने लगा। मेरे मन में ये था कि प्रिया जरूर किसी लड़के के चक्कर में है और रोज रात को मुझे कोई नशा वगैरह देकर किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर प्रिया ऐसा कुछ करती है तो मेरे शरीर के साथ ये हलचल कैसे और मेरे शरीर से कपड़े गायब कैसे होते हैं। अब तो मेरे घबराहट से पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पूरा बदन पसीने से लथपथ था क्योंकि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है, मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मुझे पता लगाना था आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कमरे में कैमरे फिट करवा देती हूँ, उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। यही सोच कर मैं जब काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई, और जब प्रिया कॉलेज गई हुई थी तो मैंने अपने कमरे में कैमरे फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी आसानी से दिखाई ना दे, और मैंने ये बात अपनी ननद को भी नहीं बताई। फिर आज मैं निश्चिंत हो चुकी थी कि रात में मेरे साथ होता क्या है यह सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और कल सारी बातें मेरे सामने आ जाएगी। उसके बाद देखती हूँ कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी संतुष्टि में मैंने और प्रिया ने शाम को खाना खाया और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। तभी प्रिया मेरे कमरे में आई और बोली कि भाभी आज तो गले तो लगे ही नहीं ना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं प्रिया के गले से लगूं, क्योंकि जब प्रिया के गले से लग जाती हूँ उसके बाद से मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं चाहकर भी अपनी आँखों को खोल नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी।
अनिल की बहन से मैं अनिल के जितना ही प्यार करना चाहती थी। कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं आने दी, तो इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल क्यों दुखा दूं? खैर, ऐसा सोचकर मैं प्रिया के गले लग गई। जैसे ही प्रिया रूम से बाहर चली गई, मेरी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गई और मैं जैसे बेहोशी की हालत में जाने लगी। गहरी नींद ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं कुछ भी ना बोल पाई, ना उठ पाई और अपने बिस्तर पर पता नहीं किस हालत में ही सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही मैंने देखा कि मेरी हालत रोजाना की तरह ही थी। मेरे कपड़े मेरे बदन पर नहीं थे और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था और आज तो मेरे शरीर पर खरोंच के निशान भी थे। आखिर ये खरोंच के निशान कहाँ से आ गए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। पूरा शरीर मेरा इतना भारी रखा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और प्रिया के लिए खाना तैयार कर दिया। उसके बाद जब प्रिया कॉलेज के लिए निकल गई, तो मैंने झट से लैपटॉप निकाला और उसमें सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो मैंने कैमरे के अंदर देखा, उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं खुद को जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुल्म कर दिए। अब ये कौन सा नया जुल्म था जो सहना बाकी था? मैंने देखा कि मेरे कमरे में दो लड़के आते हैं और मेरे पूरे बदन से कपड़े उतार कर मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं और मुझे जानवरों की तरह नोच रहे होते हैं। लेकिन मैं तो टस से मस भी नहीं हो रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और वे दोनों लड़के मेरे बदन को नोचते हुए मुझे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़के अंदर आए कैसे। मैं तो सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह बंद करके सोती हूँ। लेकिन अब जो शक की सुई थी वह सीधी प्रिया के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि उसके अलावा तो कोई घर ही नहीं था। लेकिन प्रिया भी मेरी तरह एक लड़की थी, वह ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन अब तो पूरी सच्चाई प्रिया के मुंह से ही पता चल पाएगी। मैं गुस्से में पूरी तरह बबूला हो गई। मुझे प्रिया के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे कॉलेज में जाकर ही घसीटते हुए घर पर लेकर आई। उसने मेरे प्यार का इतना नाजायज फायदा उठाया। मैंने उसे अपनी सगी बहन की तरह पाला पोसा, इतने दुखों को झेलकर भी उसकी पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं आने दी। उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया, लेकिन उसने ये सब किया। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं प्रिया के आने का वेट करने लगी। शाम को जब प्रिया कॉलेज से घर वापस आई, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर घसीटते हुए ले जाने लगी। प्रिया बोली, भाभी क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तभी प्रिया को मैंने अपने बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और वे लैपटॉप दिखाते हुए बोले कि ये सब क्या है। तभी प्रिया बहानेबाजी करने लगी कि मुझे क्या पता ये सब क्या है और मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो और राग के साथ यह लड़के कौन है। तभी मैंने प्रिया को खींचकर एक थप्पड़ दे मारा और बोला कि ज्यादा भोली बनने का नाटक तो मत करो मेरे सामने, सच सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वह कहने लगी कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। दरअसल कॉलेज में लड़कियां हर रोज नए नए कपड़े पहनकर आती थी और हर रोज महंगी महंगी पार्टी करती थी, लेकिन मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं था। तभी सभी लड़कियां मेरा मजाक बनाने लगी कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने का भी पैसा नहीं है। तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि सरेआम तो धंधे आप जाने वाले हो नहीं, इसलिए मैंने धोखे से आपको धंधे में डालना चाहा।
और उसके बाद जो पैसे आते थे उसने मेरी कॉलेज में अपनी शान बढ़ा दी थी। जब से मैं कॉलेज में ज्यादा पैसे लेकर जाने लगी तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी और मेरी हर बात मानती थी। अपने इस मान को बनाए रखने के लिए मैं अपना ये जुर्म बढ़ाती गई और ये बात करती गई। तभी मैंने प्रिया से कहा कि तुम ये सब करती कैसे थी। तभी प्रिया कहने लगी कि भाभी मैं अपने हाथ के ऊपर बेहोशी की दवा लगाकर लाती थी और जब मैं आपके गले से मिलती थी तो अचानक से आपके नाक के पास से हाथ ले जाती थी जिससे वह दवा आप सूंघ लेती थी और आप बेहोशी की हालत में चली जाती थी। वह बेहोशी की दवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे लेने के बाद 12 से 13 घंटे तक इंसान होश में चाह कर भी नहीं आ सकता। फिर मैं बाहर जाकर अपने हाथ धो लेती थी। फिर कुछ लड़के आपस में संबंध बनाते और फिर वह लड़के मुझे ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। जब इतने सारे पैसे आने लगे तो मेरे मन में और भी ज्यादा लालच बढ़ गया और मैं ये काम रोजाना करवाने लगी। मैंने सोचा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, सवेरे जब आप उठेंगे तो आपको भारी बदन लगेगा और आप सोचेंगे कि हो सकता है थकावट का कारण है। मैंने ये जरा भी नहीं सोचा था कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और रही बात आपके शरीर पर कपड़े न होने की, तो मैं उन लड़कों को कहती थी कि आपको वापस से कपड़े पहना दे, लेकिन वे लोग आपको कभी भी कपड़े पहनाकर वापस नहीं जाते थे, आपको उसी हालत में छोड़ जाते थे। अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी कि मैं एक ऐसी ननद की भाभी हूँ जो इतनी गिर सकती है। तभी प्रिया हाथ जोड़ते हुए बोली कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी झूठी शान के लिए ये सब कर बैठी। तभी मैंने प्रिया को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इन हालातों में पहुँच जाऊंगी। मैं बार बार अनिल से माफी मांग रही थी कि मैं आपकी बहन को नहीं संभाल पाई। वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसका मैं जरा भी ख्याल ना कर पाई। मैंने प्रिया के लिए इतना कुछ किया था। मैंने अनिल के जाने के बाद जब से काम करना शुरू किया था उसके बाद जितने भी पैसे बनते थे वह सब मैं प्रिया के ऊपर ही लगा देती थी। खुद के लिए मैंने आज तक एक जोड़ी साड़ी तक नहीं ली। मैंने सोचा कि प्रिया को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन मेरे इसी प्यार का प्रिया ने गलत फायदा उठाया और उसने मेरे साथ वह हरकत कर दी जो करने से पहले हर इंसान पहले 100 बार सोचता है। मुझे प्रिया पर बार बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने दुखी मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ी रही और बार बार अनिल को याद करने लगी। मैं सोच रही थी कि प्रिया ने ये सब करने से पहले जरा भी नहीं सोचा। अपनी झूठी शान में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं किया। मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करके उसने क्या हासिल कर लिया और कॉलेज में अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए उसने आज ऐसी गलती कर दी थी जिसकी माफी उसे कभी भी नहीं मिल सकती थी। अगर लड़कियां पार्टियां करती है तो उनके घर वाले अमीर है इसलिए करती हैं। किसी की बराबरी करने से क्या फायदा, जब हम लोगों की इतनी औकात नहीं है तो हम लोग बड़े लोगों के साथ बैठते ही क्यों हैं? हम लोगों से जितना हो पाता है हम उतना ही करें। खैर मैं मन में सोचने लगी कि अगर प्रिया मुझे एक बार बोल देती कि भाभी कॉलेज में लड़कियां पार्टी करती हैं इसलिए मुझे भी करनी है तो मैं उसे कहीं से भी पैसे लाकर देती, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर देती, लेकिन उसने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा और अपने ही दिमाग से सब कुछ कर डाला। उसने मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे विश्वास को भी खराब किया था। मैं चाह कर भी प्रिया को माफ नहीं कर सकती थी। अब तो मैं जितना हो सकता था उतना प्रिया से दूर रहती, लेकिन प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह इस गलती का बार बार पश्चाताप कर रही थी। फिर मुझे दया आ गई और अनिल के बारे में ख्याल आ गया कि वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा जरूर दुखी हो रही होगी।
फिर मैंने प्रिया को माफ कर दिया और उसे एक सही रास्ते पर लेकर गई। उसके बाद प्रिया ने अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पा ली। अब हमारे घर का सुधार पूरी तरह हो चुका था। प्रिया ने गलती करके अपने आप को सुधार लिया था। अब मेरे चेहरे पर यह सोचकर एक मुस्कान आ गई कि देरी से ही सही लेकिन प्रिया एक अच्छी इंसान बन गई थी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।